हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आए हैं घूमने, तो आज हम यहाँ जा रहे हैं घूमने। हम आए हैं हैदराबाद, तो हैदराबाद में हम यहाँ गोलकोंडा करके एक गढ़ी है, पुरानी, बहुत पुरानी है, तो हम इसमें आए घूमने। तो ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। ये नीचे का है पूरा नीचे से वीडियो बनाई थी मैं, तो देखिए पूरा नीचे का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ गार्डन भी है चारों तरफ, इतना अच्छा, एकदम पत्थर पत्थर की दीवार बनी हुई है फ्रेन। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ हम गेट से, जो बाहर का गेट था वहाँ से निकले हैं, अब यहाँ अंदर जाएंगे हवेली के। तो यहाँ से रास्ता है अंदर जाने के लिए। आपको यहाँ से ही वीडियो पे बने रहिए। तो यहाँ बहुत सारे लोग घूमने फिरने के लिए आते थे, ये हम लोग अंदर जा रहे हैं। अंदर का नज़ारा बहुत अच्छा है। यहाँ कितने सारे लोग आते हैं घूमने के लिए। अगर आप लोग आए हैं तो ज़रूर बताइएगा, नहीं आए तो आप आइएगा घूमने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए हम अंदर आ चुके हैं। देखिए यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ सब फोटो वगैरह सब बहुत अलग ले रहे थे अपना अपना। अब इसके अंदर भी जाएंगे। देखिए यहाँ अंदर इतना बड़ा गेट लगा हुआ है, अब उसके भी अंदर जाएंगे। ऊपर चढ़ना पड़ा है, बहुत सारी पब्लिक आई थी घूमने के लिए। थोड़ा रेडी रहता है, फोटो लेने के बाद में कैसे होगा? चलो जाओ फोटो के लिए। फोन सा आ रहा है, फोन सा आ रहा है। अरे हमारे फोन आईफोन छोटे छोटे बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा छोटे जा रहे थे, तो पैदल चल रहे थे। मैं यहाँ पे पानी का बॉटल डाल रही थी अपने पास में, बॉटल सच्ची में बहुत बड़ी है, तो कैमरा भी नीचे हो गया। बहुत मज़ा आया मुझे, आप लोग भी आइए एंजॉय के लिए। यहाँ जो जो सब पुरानी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, ये बहुत पुराने ज़माने का बना हुआ गली था। ये 1400 और कुछ ऐसे और सन का बना हुआ था, मैं मुझे याद नहीं है ठीक से। देखिए हम लोग यहाँ से नीचे से 2 बजे एंटर किए थे, आते आते 5 बज गया था। यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी फ्रेंड मुझे, तो मैं परेशान हो गई थी। यहाँ पे बहुत ज़ोर से लग गई थी, तो इसलिए मैं यहाँ वहाँ देख रही थी क्या करूँ, कहीं बैठने के लिए जगह मिल जाए तो बैठ जाऊँ। ये देखिए अभी तो ये पूरा नीचे नीचे का ही, अभी हम ऊपर गए नहीं हैं। ऊपर जाने के लिए बहुत लंबी सीढ़ियाँ हैं, अगर ऊपर जाएंगे तो कम से कम 1 घंटा लगेगा हम लोग को ऊपर चढ़ने में। सीढ़ी इतनी लंबी सीढ़ियाँ हैं, बहुत ऊपर जाना पड़ता है। फूल वगैरह बहुत अच्छे अच्छे लगे हुए थे वहाँ पे। ये गार्डन है वहाँ का, तो गार्डन में बहुत अच्छा लग रहा है। ले ले।
चारों तरफ बस वही पत्थर पत्थर की दीवारें ही दिख रही थी। हो गया ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने वीडियो बनाया है तो यहाँ पे पढ़ लीजिए जो जो लिखा है। कौन नहीं है, कौन नहीं है। जबकि ये गड़ी बनी हुई तब का वहाँ पे सन भी लिखा हुआ है और किसने बनवाया था वो नाम वगैरह भी सब लिखे हुए हैं। बहुत भीड़ थी फ्रेंड, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं फर्स्ट टाइम हैदराबाद आई हूँ और यहाँ फर्स्ट टाइम ही घूम गई हूँ, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा स्पेस में बना हुआ है ये, कम से कम 10-20 एकड़ की जो ज़मीन होती है ना उसके अंदर ही इस मतलब उतने में ही बना है। 10-20 एकड़ की ज़मीन होती है जितनी, उतने में ही बना है ये पूरा हवेली। अब तो टूट भी गया है लेकिन इसकी जो दीवारें हैं बहुत मजबूती हैं, बहुत मजबूत है, सॉरी। देखिए अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, हम लोग अंदर जाते ही जा रहे थे उसका एंड आ ही नहीं रहा था कि एंड आ जाए। देखिए यहाँ पे दो लाइट लगी हुई हैं लेकिन जल नहीं रही हैं, रखी हुई हैं, हो गया। ये देखिए इस तरह का 3-4 जगह बना हुआ है। ये देखिए हम यहाँ आ गए हैं, यहाँ पूरा पत्थर पत्थर है, नीचे पूरे एकदम ऊपर नीचे हर जगह पत्थर पत्थर ही दिख रहे हैं। यहाँ पे पहले उस ज़माने में पानी वगैरह चलता रहा होगा यहाँ पे झरना, तो अब ये ख़राब हो चुका है, पर यहाँ पे कुछ नहीं है। ये देखिए यहाँ पे पहले झरना रहा होगा, तो नहीं है। अब आए हैं तो देखेंगे, देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप जरूर आइए और घूमिए, देखिए हम तो नीचे ही नीचे अभी घूम रहे हैं, इतने में ही हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर हमको अभी ऊपर भी जाना था तो ऊपर जाते जाते तो हालत ही ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बच्चे भी परेशान हो गए थे, हम भी परेशान हो गए थे। तो वहाँ एक ख़ास बात है फ्रेंड की, वहाँ मस्जिद भी बनी है और मंदिर भी बना है। तो मस्जिद एक साइड बनी है, एक साइड मंदिर बना है, तो मंदिर में माता रानी की मूर्ति है, फोटो है और भोले जी का है, और एक साइड मस्जिद है। तो वहाँ देख के बहुत अच्छा लगा, मंदिर मस्जिद दोनों एक साथ हैं, तो देखने में बहुत अच्छा लगा। ये एकता का सबूत है कि हाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं घूम रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था।